हेलो स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फोर्स एंड एनर्जी। हम लोग बात करेंगे फोर्स और एनर्जी के बारे में। फोर्स वर्ड से वर्ड समझ में आता है, फोर्स मतलब बल और एनर्जी मतलब ताकत। देखते हैं आपको जो ऐड करता है अपनी भी पर, तो आपको दिखाया जाता है कि आप हॉर्लिक्स पीजिए आपके अंदर बहुत स्ट्रांगनेस आ जाएगा, है ना जी। और जब एनर्जी आएगा तो आपके अंदर फोर्स आएगा। यानी कहने का मतलब, आखिर फोर्स कहते किसको है? फोर्स इज इन्फ्लुएंस दैट वी द पुल एंड पुश द ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज को खींचना या किसी चीज को दबाना, ठीक है। जिसमें एक जो लगता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं या खींचते हैं, बंद करते हैं, तो दैट मीन्स कि जो एक फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो वो उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। और ये फोर्स जब अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हो सकता है वो आपका, जैसे कि आप कोई साइकिल से आप लोग खेलते हो और पीछे से कोई धक्का मार दे आपको साइकिल को, तो क्या होगा, साइकिल आपका स्पीड बढ़ जाएगा। और कोई पीछे से खींच दिया तब क्या होगा, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि वो जो आपको जो कहने का मतलब है, जो पकड़ के जो खींच रहा है आपकी तरफ वो, या धकेल रहा है, दो बात हुई। आपको अगर धक्का दिया तो आपकी स्पीड बढ़ गई, अगर आपके इधर खींच दिया तो आपकी स्पीड कम हो गई। यहां तक कि मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर एंड स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्स से क्या होता है, आप देखिए गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाया जाता है, ब्रेक का काम होता है, ब्रेक में जैसे लगाते हैं तो फोर्स अप्लाइड होता है जो टायरों के बीच में, और वो धीरे धीरे आपका चक्का रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स इज इन्फ्लुएंस व्हिच इज द पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद चेंज द डायरेक्शन। आप क्रिकेट खेलते होंगे, मारा उधर से बॉल उधर से उधर चला गया, तो किसके चलते, बाय फोर्स। इसलिए तो कहा जाता है कि जरा सा खाना ढंग का खाया कीजिए कि जो आपके अंदर में ज्यादा फोर्स एनर्जी है तो आप ज्यादा वर्क कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। इसलिए देखिएगा कि आपको खाने के लिए हमेशा आपके घर में फोर्स किया जाता है, है ना, उस पर फोर्स कर जाता है, सोचिए, ठीक है। तो चेंज द शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे रोटी, अगर जो आटा जो होता है उस पर करेंगे तो उससे भी क्या होता है कि उसका जो शेप चेंज हो जाता है। तो कभी कभी देखते हैं मार्केट में होता है ना कि आपका ऑफिस सेफ चेंज हो सकता है, तो वो अप्लाई मत कीजिएगा फोर्स को, ठीक है। तो ये हो गया कि फोर्स का काम क्या होता है, एक इन्फ्लुएंस से जो ऑब्जेक्ट को पुश एंड पुल करने की वजह से होता है। और एक मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इससे क्या होता है, पहला बात, हो सकता है कि उसका स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है स्पीड कम हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो शेप चेंज हो जाए। दैट इज द वर्क इन अप्लाइड एनी ऑब्जेक्ट दैट टाइप ऑफ द वर्क इज हैपेंड That was the situation that happened. ये इस सिचुएशन हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। तब हम लोग पता चलता है कि फोर्स लगा था, बोलते बहुत ताकत से था, बहुत ताकत लगा, ठीक है, तब ऐसा हुआ। यानी कि ये फोर्स लगा जिसकी हम लोग बात करते हैं। अब उसके बाद बोलता है कि तब तक फिर टाइप ऑफ द फोर्स क्या है। तो यानी कि देखिए, आप कहने का मतलब कि इसमें फोर्स देखिए, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और वायु फोर्स, ऐसे और भी फोर्सेस हैं। आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे कि मस्कुलर यानी छह तरह के फोर्स को पढ़ना है, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, वायु फोर्स। देखिए मस्कुलर फोर्स, आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को अगर हम उठा रहे हैं, इसको अगर हम उठा रहे हैं, तो इसको उठाने में जो एनर्जी लगा ये हमारे मसल्स की वजह से हुआ ना। तो when the force exerted by the muscles that we call muscular force, यानी मसल्स का जो होता है, इसलिए देखिएगा कि बहुत लोग एक्सरसाइज करके मसल्स को मजबूत करते हैं क्योंकि तब वो ज्यादा वर्क कर सके, ठीक है ना। फौज में लोग देखते हैं ना, फौज के लोगों को पूरा मसल्स बहुत बढ़िया से बना के रखते हैं, क्योंकि उनको बंदूक चलाना हो, चाहे बहुत वेट को उठाना हो, चाहे कहीं वो करना, सारा वहां पर वो मस्कुलर फोर्स से वो कर पाए, इसलिए उन लोगों का मसल्स लिम। आपको भी चाहिए मसल्स को मजबूत करने के लिए प्रोटीन रोज ले, है ना, जो ऐड करता है टीवी में भी देखते हैं, प्रोटीन रोज ले, ठीक है ना। उसी तरह आप भी जरा प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन जो होता है मसल्स को बनाने में काम करता है, ठीक है। खैर वो बात हो गई। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, कोई भी चीज को अगर हम फेंके और वो नीचे आ रहा है, ये क्या हुआ, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि आवर अर्थ हैव द फोर्स, न्यूटन ने सबसे पहले बताया था इस फोर्स को कि इन आवर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जब एक सेव गिरा था नीचे और वो नीचे पड़ रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि सेव नीचे ही क्यों आया। आप सोचिए, आप सिंपल सा सवाल इस पर आपको पूछा जाता तो बोलेगा कि भाई सेव नीचे गया तो पगलाए क्यों था न्यूटन, खा लेता यार,
है ना, कहे दिमाग ऊपर चल जाए, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया, ऐसा कहे सोचा। देखिए किसी ने सोचा, आज उसका सोच का नतीजा है कि हम लोगों को पता है कि ये जितना कुछ भी पीछे क्यों भी जो भी चीज ऊपर फेंकिएगा वो नीचे क्यों चला जाता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है, आप देखिए फ्रिक्शन मतलब घर्षण। आप देखे होंगे कि जब कोई भी फोर्स अप्लाइड होता है, जैसे आपको गाड़ी जो चलाते हैं तो टायर, अच्छा आप चलते हैं तो आपको जो शूज घिस क्यों जाते हैं, आप देखते हो ना कुछ दिन चलने के बाद वो घिस जाता है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पे चलते हो, रुकता है। अगर आपका वो ग्रिप खराब हो जाए तो आपका टायर में ब्रेक नहीं लगेगा, है ना, तब आपको कहते हैं उसे टायर को चेंज करते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाना वहां पर जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो आप चल नहीं पाइएगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स ही दैट इज अपोज द फोर्स, यानी जो फोर्स होता है उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब हम बात आते हैं इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक मतलब समझ रहे हैं, जिससे कि आप रबड़ को खींचिए वो फिर क्या होता है, वो फिर अपनी जगह पर ले आता है, ये जिस फोर्स से आता है उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक फोर्स। अब मैकेनिकल फोर्स, मतलब जितने भी आप मैकेनिकल इसको यांत्रिक करते हैं, जितने भी आपसे की टूल्स को उठाने लिफ्टिंग करने के जो हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज को, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि आप जो स्टूल जो सिंपल टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, पेचकस ये सब जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग खोलने के लिए, नट खोलने के लिए, तो टाइट करने के लिए, वो सारा कुछ आ गया वो मैकेनिकल फोर्स में। अब होता है वायंस फोर्स। वायंस फोर्स का मतलब होता है कि आप पानी में कोई चीज को डालिए, आप देखिएगा कि वो ऊपर की ओर फेंकेगा वो, यानी कि पानी के अंदर में कोई चीज हल्का क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या होता है एक फोर्स नीचे की ओर लगता है, इसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं या बायंस फोर्स कहते हैं। इसको आगे चल के आप प्रतीक सिद्धांत को पढ़िएगा, जिसमें आपको पढ़ना है कि कैसे इसको खोज हुई थी, है ना, कैसे उसको जाना था अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गई बात, हमने बात किया आज फोर्स पर और टाइप ऑफ द फोर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा फोर्स और टाइप ऑफ द फोर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।